ठीक है चले जाओ बेटा, तुम लोग लेट हो जाओगे। आप लोग रिवाइज कर लो, एक आध ऐसे ही कराएंगे तुम लोग को दे देंगे हम जब तक थोड़ा और करो रिवाइज, हम 2 मिनट में आ रहे। दो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है अपना 3.2, इसमें आया है 3.22, अपना आया है 3.2, बिल्कुल सही। और उसका बताओ CRCD वाले का कितना आया था? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 3.19, 10, 20, 34 पूरा NCERT का, पूरा NCERT है जो आपको लगवा रहे हैं। और इसका देखो ये आया 3.22 एंटीलॉग, वो भी बिना टेबल के निकाल रहे हैं हम, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। अगर टेबल से भी एक व्यक्ति निकालता है तो उसको 5 मिनट लग जाते हैं। ठीक है चलो ऐसे ही क्वेश्चन है करो इसको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शन का, Cu सॉलिड 2Ag प्लस टेंस टू फॉर्म Cu2 प्लस 2Ag, ई नॉट Ag प्लस Ag दिया है 0.80 वोल्ट। ई नॉट Cu प्लस 2 Cu दिया है 0.34 वोल्ट। बस और कुछ नहीं दिया, निकालो किसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आता है फिर दिखाते हैं हम। NCERT एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है, पूरे दूर दूर के करा रहे हैं बच्चों, जो एग्जाम्पल है टेक्स्ट में, इन टेक्स्ट में है, MP बोर्ड में, जहाँ तक मिल रहे हैं हम सब करा रहे हैं आपको।
चेक कर लो एनोड कौन है, कैथोड कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड, तो कॉपर वाला एनोड है। यहाँ से पता चलेगा आपको सी यू का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑन एनोड, ए जी का रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड। बच्चों निकाल के दिखाओ, सब लोग हर एक बच्चे के आंसर आने चाहिए। कैसे आप नर्नेट इक्वेशन से निकाल लो, ई सेल निकाल लो, नर्नेट इक्वेशन से कैसे निकाल लो सीधे ई नॉट सेल निकाल के। ये यहाँ आओ आगे, रास्ते से कुर्सियाँ हटा दो, थोड़ा ठंडक आएगी। आगे जाओ, आगे की चेयर पे बैठो। हाँ ननर से निकाल लो, सबसे बेस्ट है ननर से निकाल लो, नहीं तो फिर ई नॉट सेल से पहले डेल्टा जी नॉट निकालो फिर, वो तो आपके ऊपर है अंकित कैसे जाना चाहते हो आप, सीधे भी जा सकते हो घूम के भी जा सकते हो। ई नॉट सेल से पहले डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो, फिर डेल्टा जी नॉट से केसी, या फिर सीधा ई नॉट सेल से सीधा ननर इक्वेशन से निकाल लो, सबसे बेस्ट है। पहले का आंसर दे दो बेटा, ई नॉट सेल कितना आया, जीरो पॉइंट फोर बोल्ट, बोल्ट ना यूनिट बोल्ट है ना। हेलो अब नर्नेट इक्वेशन से निकाल दो, सबका यही आया ना 4.6 वोल्ट है ना। एनोड कैथोड में गलती मत किया करो बच्चों है ना। अब नर्नेट इक्वेशन लगा दो और क्या है, पहले इसको सिंपल फॉर्म में ले जाओ, बाद में रखना वैल्यू। एन की वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही, एन की वैल्यू 2 है, दिख रही है 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सौम्या बताओ केसी आ गया, कोई बोलेगा नहीं, हम सबकी कॉपी देखेंगे अलग अलग। फोर सिक्स आगे बोल्ट, ओके 0.03 अप्रॉक्स लेना है, लॉग में ना लो अप्रॉक्स, पूरा पूरा कर लो लॉग में। बच्चों लॉग में अप्रॉक्स सजेस्ट नहीं करेंगे हम, है ना, क्योंकि लॉग में अप्रॉक्स से आंसर में बड़ा डिफरेंट पड़ जाता है। बाकी आप जब ई सेल निकालो तो अप्रॉक्स ले लो, जैसे 0.0591 को 2 से डिवाइड करो, अब 0.06 को नहीं। क्योंकि लॉग पॉइंट चेंज होने पे चेंज हो जाता है। आ गया सौम्या, नहीं आया, आगे बैठो आके तुम हमारे पास, हम देखें थोड़ा। आ गया दिखाओ, बिल्कुल सही। जी बच्चों आप एनसीईआरटी धड़म धड़म सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल ओके सेटिस्फाई। हाँ क्यों नहीं चलेगा, और किसका आ गया, देखो प्रांजल ने अप्रॉक्स नहीं माना तो बिल्कुल सटीक आंसर आया है,
अप्रॉक्स मानोगे तो थोड़ा सा सटीक से हट जाएगा। लॉग की वैल्यू बच्चों पॉइंट पे हटती है, और बिना टेबल के आप एंटी लॉग निकाल रहे हो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हो गया, दिखाओ। ए वैल्यू तो बिल्कुल सही है, इसको चेक करो, कहीं ये तो दिक्कत दे रही है। कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आई क्या, चेक करो। आ गया मान्या, आ गया अंकित, नेहा आ गया, ये तो सही है। ये क्यों गलत, ये ही इनका दिखाओ 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 हमें आंसर दे। लिखो लिखो लिखो, फाइव उसका 0.56 का निकालो एग्जैक्ट क्या आ सकता है। सही है, मतलब आपका भी सही है। शिक्षा ने और जीनत ने एक ही सी गलती की है। हाँ सही हो, थोड़ा सा बस गलत है 50.5। और आगे नहीं जाएगी क्या, एक आध डेसिमल और जाओ। 10^15 तो बिल्कुल सही है। अब ये यहाँ पर 3.2 आ रहा, किसी का 3.4, किसी का 3.5, एग्जैक्ट है 3.6 सुपर कंप्यूटर वाला। ढूंढो शिक्षा कहाँ गलती हुई है। अप्रॉक्स माना क्या शिक्षा, नहीं माना। ये वाली वैल्यू कम क्यों आ रही तुम्हारी, ये वैल्यू कम आ रही है। ठीक नहीं, यहाँ कहीं कोई दिक्कत आई है यहाँ। हाँ वही तो गलती हुई है। नेहा दिखाओ आंसर, सानिया आंसर, ऋषि अभी तक नहीं आया, आ गया, आ तो गया तुम्हारा लगभग आ तो गया 15.5। अब इसका एंटी लॉक कर दो 15.56 का, कुछ और एक आध डेसिमल और सॉल्व कर लो, एक आध और करो सॉल्व। अब सही है, दिखाओ सही है नया, सही है। थोड़ा सा फिर हल्का सा एग्जैक्ट से दूर हो, सुपर कंप्यूटर का है 3.6 10^15 ये 15.56 आया आपका, 5 एक डेसिमल किया ना आपने, एक आध और कर लेते तो हो जाता है। सही है मतलब, चल दिखाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया 100 में तुम्हारा तो। दिखाओ मनु, हाँ ठीक है दिखाना। लॉग थ्री की क्या होती है, 0.4771, और लॉग फोर की होती है 0.6020, है ना। एक ही डेसिमल आपने सॉल्व किया तो उसके हिसाब से 3.3 लगाया, एक आध और करते तो थोड़ा 3.4 हो जाता। सही है, हम भी देखें कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। ई सेल कितना आया था, 4.6 वोल्ट आया था, कितनी आया था, ठीक है। तो लॉग केस ये पहले ये देखो, ये वैल्यू किस में थी, माइनस में थी, तो
ई सेल है, इसको पूरे को उठा के ले गए आप इस साइड तो ये चला गया, ठीक है। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो ये टू ऊपर जाएगी ना। अच्छा, इस टू को ऊपर ले गए आप तो इतना गया, और इससे डिवाइड कर दिया 9 2 को 2 6 12 2 4 8 1 9 बिल्कुल सही है। और 0.591 से 0.92 को डिवाइड कर दो, बिल्कुल सही तो जा रहे हो। 0.92 को 0.0591 से डिवाइड कर दो, अब इसका आंसर सही आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, तो डेसिमल हटा दें तो ये 92 और यहाँ से 591, यहाँ 40 और यहाँ 20 है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9200 और ये 591, 9200 और ये 591। ये वन टाइम्स कर लो, वन टाइम्स गया तो 920, 591, 9 और 2 और ये 6, 9 में से 5, 6 ये 3 बचा 329 है ना। देख ले कर दो, 591 329 और फिर 591। आपका डेसिमल इस बार गलत आ रहा है क्या? नौ सौ बीस थोड़ी थी। अच्छा अच्छा, एक जीरो और बचा है, सॉरी एक जीरो और बचा हुए, तो 591 3 9 2 0 डिवाइडेड बाई 591, 506 मान लो, 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, 512 जाएगा, तो देखते हैं 591 गुड़े 5 5 5 9 45 5 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
फाइव और ये आपका थ्री हो जाएगा और ये नहीं, ये टू क्यों होगा, यहीं तो गलत कर रहे हो, यहीं तो तुम गलत कर रहे हो ना, या इसी में थ्री होगा और ये आप कर लो, अब आ जाएगा सही, है ना, पकड़ गई ना, छोटी सी गलती थी। सबका सौम्या सबका आयरा कितना दिखाओ, वाह आयरा वाह, बहुत बढ़िया, सही तो आ रहा है, अब निकाल दो इसका लॉ, अपने ऊपर विश्वास रखो, सही तो आ रहा है 15.55, लिख लो ना 0.55 किसका लॉग है, तीन का कितना होता है लिखो, तीन का होता है 4771, ये तो 4771 है नहीं, ज़्यादा है ना, तो 3.5 तो लिखो इंटू 3.5, अरे हाँ, अरे इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती है भैया, इतनी ज़्यादा नर्वस कि कुछ कहें, 50.55 है तो पहले वाला 10 की पावर लगा दे, पॉजिटिव नंबर है तो 10 की पावर 15 है ना, अब 0.55 ये तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, थोड़ा बढ़ाओ कितना होगा, ये तो तीन का है, चार का है, तो 3.4 या 3.5 इसका कुछ होगा, प्रसिद्ध आंसर सी अप्रॉक्स, तुमने थोड़ा कम माना सही, बिल्कुल तुमने तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल दिया आंसर, उसमें भी 5.6 है, 5.6 का लॉग टू दो, देखो 0.4771 किसका होता है और 4 का 0.6020, अब 3 से आपका 0.4771 से 5-6 चला गया, 5-6-0 कुल ज़्यादा है, 0.2 नहीं, थोड़ी और दो, सही है, दिखाओ आंसर, सही है, दिखाओ आंसर, करो ना तू,
नहीं हमें दिखा रहे हैं। तो सही तो है, ये तो ये आ रहा है स्कोप 1 से, स्कोप 1 में लिखा था ये कुछ और है, ये वो कौन है यहां पे 5 की जगह 15.5 के पे। नहीं 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 नहीं, ए वैल्यू पूरी आपकी चली जाएगी, लॉग की आपकी माइनस में है। हाँ तो ये पूरा आउट की उस साइड चले जाएगा तो प्लस में, तो लॉग कैसी, तो 0.46/0.029 सही तो है, सॉल्व करो इसे। 15.8 आ रहा है तो सही तो है, तो फिर आप वो नहीं लॉग एंटी लॉग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अलग आएगा, एंटी लॉग अलग आएगा ना, कैसे आएगा अलग, बिल्कुल सही आ रहा है, 10 की पावर 15 सही तो आ रहा है। एंटी लॉग निकालो 0.8 का क्या आएगा, एंटी लॉग 0.8 का कितना आएगा, एट फोर फाइव किसका होता है, 7 का, 6 का समथिंग, और एग्जैक्ट है 5.6। नहीं ये इसने पूरा नहीं किया ना, 591 का नहीं किया इसने पूरा, ये अप्रॉक्स ले लिया, हाँ पूरा करोगे तो पूरा जाएगा, तो 6 आ रहा है आपका, इनका आ रहा है किसी का 3.2 3.4, और तुम्हारा 6 आ रहा है, तो वो रैंडम किया ना उसकी वजह से। दिखाओ निगार सानिया, निकालो फास्ट, हाँ सही है, बिल्कुल सही आया, केसी की वैल्यू है, केसी लिखो, तो हम आप लोगों के उससे आंसर लिख दे रहे हैं जिसका जितना आया, किसी का 3.10 की पावर 15 आया है, और किसका कितना आया, किसी का 3.3 10 की पावर 15 आया है, किसी का 3.2 10 की पावर 15 आया है, किसी का 3.6 जे अंकित का आया है 3.6 10 की पावर 15। हमारा आ क्या रहा था आंसर, 15.5, अधिकतर लोगों ने यही निकाला है, और सॉल्व करो तो 15.5, तो ये तो सबका था, अब यहाँ पर सब ने अपना अपना लॉग माना है, किसी ने 3.2 किसी ने 3.3, एग्जैक्ट आंसर है 3.6 10 पावर 15, ठीक है एग्जैक्ट, पर हम कौन टेबल लेके आ बैठे हैं, उसके हिसाब से हमने बहुत सही कर लिया। तुम्हारा कितना आया था जय, क्यों नहीं बिल्कुल, हाँ तो आप लॉक्स अगर आप टेबल से देखना चाहते हो देखो, वही से बेस्ट कुछ भी नहीं है, टेबल से आप देखोगे 5-10 मिनट लगेंगे, वो भी गलत हो सकते हैं, हाँ अगर बहुत कठिन होता है तो मिल सकती है, वैसे एंटी लॉक वाला क्वेश्चन बहुत ही कम देते हैं आपको टेबल में, लेकिन भविष्य के हिसाब से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट निकालो, कॉमन सेंस और एग्जैक्ट ले जाओ, चलो भाई चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर चले जाओ। टू एफ ई प्लस थ्री, बात नहीं, टू एफ ई प्लस थ्री एक्वस, रुक जाओ अंकित तुम बहुत बातें कर रहे हो, तुम आज हमने तुम्हें धुनाई ना दी ना, भूल जाओगे तुम, 2i नेगेटिव, ये नहीं कि आराम से थोड़ी राहत मिलती है, गर्मी है हवा ले ले, है ना, ये नहीं है, इस बातें का चालू कर दो करना, i2 सॉलिड, ठीक है, ई नॉट सेल दिया है 0.236 वोल्ट 298 केल्विन पे, लॉग में तो बच्चों ये रहता है कि आप जितना अप्रॉक्स जाओगे उतना अच्छा आंसर आएगा, क्योंकि लॉग में आप थोड़ी ही गए तो दिक्कत आ जाती है। अब जैसे कि हर्ष का आया था 15.8 क्योंकि उसने अप्रॉक्स मान लिया था,
तो 10 की पावर 15 तो उसका सही था, लेकिन अभी 0.8 यहाँ पर वैल्यू, तो 5 की क्या होती है 0.7699 और 6 की होती है 0.778, तो 6.1 और 6.2 चला गया। अब इसका रीज़न यही था कि उसने थोड़ा सा अप्रॉक्स मान लिया था। तो लॉग में बच्चों, लॉग में अप्रॉक्स मानोगे तो आंसर में फर्क, बाकी आप ऐसे मान सकते हो, लेकिन लॉग थोड़ा भी अप्रॉक्स जाएगा तो थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा। बस अब क्या है निकालना, क्या है ए निकालना है। ए बच्चों लास्ट है आज का, कर लो। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है चलो। हम भी करें आपके साथ, अच्छा नहीं लग रहा खड़े खड़े। देखिए बच्चों कमाल धमाल की तैयारी चल रही है आपकी, अगर थोड़ा और मेहनत कर जाओगे ना दूसरे सब्जेक्ट में भी रिकॉर्ड बनेंगे पक्का। इस बार के जो बच्चे मेहनती हैं, कुछ को छोड़ दे तो, लेकिन उनको भी लेने की कोशिश करेंगे साथ में। पहले तुम्हारा, हाँ एन टू टू प्लस थ्री से प्लस टू में जा रहा है तो देख लो टू, या टू आई निगेटिव से आई टू में जा रहा है, टू एन टू है। एन तो बच्चों आप लोगों को जज करना आना ही चाहिए। जो यहाँ पर एन है ना एक्चुअली में बैलेंसी फैक्टर है, रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसी फैक्टर यही होता है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुई या गेन, ये बैलेंसी फैक्टर है। नाम अलग अलग रख देते हैं, कहीं एन कहीं एक्स कहीं भी, दिस इज द बैलेंसी फैक्टर। फिराडेलो में भी आने वाला है एन। चलो जल्दी से कर लो सॉल्व। चलो एक काम करो मान्या, तुम बोर्ड पे लगाओ, हाँ ये वाला क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे लगाओ। चलो हम तुम्हारा पहला वाला देखें। पहले क्या किया करो, इतना सारा ना किया करो। पहले इसको सिंपल फॉर्म, मतलब ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये टू पे हाफ में ऊपर था, पहले सिंपल फॉर्म में ले जाओ। ई नॉट सेल वहीं रहने दो, क्या होता है ना फिर कैलकुलेशन में फंस जाते हो, ए वैल्यू पूरी माइनस की सट जाएगी तो प्लस की 0.0591 बटे डिवाइडेड बाई एन लॉग अंडर वेज 10 के सी। अब ए निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0.59 नीचे हो जाएगा, तो ई नॉट सेल इन टू एन डिवाइडेड बाई 0.0591 और यहाँ से बचेगा आपका लॉग के सी। हम पहले देख लें तो मुझे सही लिखा कि ई नॉट इक्वल तो ई नॉट से ही रहेगा, ये पूरा वक्त जाएगा इस साइड से जाएगा पूरा, तो माइनस 0.0591 लॉग के सी, ठीक है बिल्कुल सही है। तो एन ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको अब डिवाइड करो तो ई नॉट सेल कितना आया था अपना 0.464 नहीं है 46 वोल्ट है, 46 वोल्ट ही बोला, अच्छा सॉरी 46 वोल्ट। और n कितना था इसका, n था यहाँ पे 1, सॉरी हाँ 2 था, 2 था 1 कह रहे हो 2, और नीचे क्या रखा हुआ है 0.0591 log अंडर वेट के सी। अब इससे इसको डिवाइड करना है तो पहले चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 12 फॉरवर्ड 1 2 4 जाए 8 और